अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डन हो जाएंगे पूरे 250 मटके। बस एक कलाक माँ, बोलो बिजू का है। जय माता दी। जय माता दी। तू? मैं यहाँ काम ढूंढ रही थी। तो क्या मुझे काम मिल सकता है यहाँ? एकली छे? जी। कौन से गांव से? मैं धर्मपुर की हूँ। धर्मपुर की औरत जामनगर में क्यों, और वो भी एकली? यहाँ जामनगर में रहने का कोई आसरा है? तारू नाम सोचे? संतु मैया। संतु वागेला। कोई काम जानती है? जी, झाड़ू कत्ते से लेकर खाना पकाने तक मैं सारा काम जानती हूँ, और मैं मिट्टी के बर्तन भी बना सकती हूँ। वाह, आ था ही ना काम निवाद। चाकला पर मिट्टी के बर्तन बना लेगी? जी, पहले भी हमारा यही काम था। सरस, डंडन, वो सामने कारखाना देख रही है ना? मैं उसी कारखाने में काम करती हूँ। पूरा कारखाना एक ले ही संभालती हूँ। हमारे कारखाने में मिट्टी के बर्तन, कुल्लड़, गमले, हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो कारीगर हाथ से सामान बनाते हैं ना, वो। जी, मुझे भी थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट वर्क आता है। अरे वाह, तू तो पढ़ी लिखी मालूम होती है, इंग्लिश भी बोल लेती है। जी, थोड़ी बहुत बोल लेती। आज से तू हमारे साथ काम करेगी। डन, कम। थैंक यू। चलो चलो जल्दी हिसाब करके बताओ मुझे। ये हमारा कारखाना है, कारखाने का मतलब मकान और सामान नहीं, बल्कि ये औरतें हैं। यहाँ सिर्फ औरतें ही काम करती हैं। दिन का 40 रुपया, रहना खाना पीना बतू यांची। सामड़ो, आ संतु बागेला छे। आज से ये तुम सब लोगों के साथ तुम्हारे बीच में रहकर काम करेगी। संतु, जाके चाकड़ा पे काम कर, ठीक? बाहर से जाके गीली मिट्टी लिया। चलो।
I'm really sorry. मुझे माफ कर दीजिए. Actually मैंने देखा नहीं, वहाँ पर कीचड़ था और आप भी मुझे नजर नहीं आए. आप प्लीज पानी से साफ कर लीजिए. कोई बात नहीं. ओके, थैंक यू सो मच. क्या आप बता सकती हैं कि मैं कहाँ हूँ? आई मीन ये कौन सी जगह है? वो मैं एक्चुअली खो गया हूँ. ये जामनगर है. जामनगर? ओह, ये तो जगह का नाम नहीं है. एक्चुअली मुझे धर्मपुर जाना था. धर्मपुर में किसके यहाँ? मिस्टर धर्मराज मैयावंशी के यहाँ. या दैट्स राइट. धर्मराज मैयावंशी के? हाँ, एक्चुअली वो ना, मैं कल ही लंदन से आया हूँ और ये इंडिया की सड़कें, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है. अब सबसे पहले मुझे धर्मपुर का रास्ता पता करना पड़ेगा, फिर 10-20 लोगों से पूछते पूछते मैं मैयावंशी घर तक पहुँच पाऊंगा. यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट या होटल मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है. यहाँ आसपास तो नहीं है, पर अगर आप चाहते तो हमारे यहाँ आके थोड़ी देर आराम कर सकते और खा भी सकते. आप चलोगे? आइए. बैठिए ना. इस पे? जी. मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ. ओके. ये लीजिए, थेपले और चुंदा. What did you say? चुंदा? चुंदा मतलब अचार. ओह. थेपले के साथ बहुत अच्छा लगता है. वैसे आप धर्मराज मैयावंशी के घर, कोई उत्सव है वहाँ? नहीं नहीं, मैं तो वहाँ सबसे मिलने जा रहा हूँ. वाओ. या फिर उनका दामाद बनने. मतलब बिरवा के साथ? कल वनराज गोयल और उसका पूरा परिवार आ रहा है बिरवा के रिश्ते की बात करने. वैसे वनराज भाई आपके? हाँ, वो तो मेरे डैड हैं. आई मीन पापा हैं. आप मेरी फैमिली में भी सबको जानते हैं क्या? नहीं, वो दरअसल मैं धर्मपुर में रह चुकी हूँ, तो जो भी धर्मपुर में रहते हैं उन्हें धर्मराज मैयावंशी के रिश्तेदार, परिवार और उनके दोस्तों के बारे में पता चल ही जाता है. That's amazing. Really? इसका मतलब आप मैयावंशी परिवार के सारे सदस्यों के बारे में जानती हैं, right? और आप मुझे उनके बारे में बताएंगी? देखिए, मैं चाहता हूँ कि वहां जाने से पहले मैं उन सब के बारे में सब कुछ पता कर लूं और वहां जाके उन्हें सरप्राइज कर दूं. What do you say? Of course. Not bad. आपको इंग्लिश भी आती है? थोड़ी बहुत. आपका थोड़ा बहुत भी बहुत ज्यादा होता है. मैयावंशी परिवार में सबसे बड़े धर्मराज मैयावंशी, मेरा मतलब है कि मालिक है. Well, ये क्या है? ये शगुन है. आपका सफर अच्छा हो इसलिए हमारे गांव में ये रस्म है. Thanks a lot. यहाँ गांव में मेरी सबसे पहले आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे इतना अपनापन दिया, जैसे जैसे मुझे सालों से जानती हूँ. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे गुड लक, आई मीन ये शगुन दिया. मोस्ट वेलकम. तो अब मैं चलता हूँ. ओके, बाय बाय. ये शगुन तुम्हारी सास ने दिया है तुम्हें, बस बुढ़िया माँ की कृपा से ये रिश्ता हो जाए. मिताली जैसे दिखना है या नहीं? दिखना है. उरल, तुमने अपनी दवाई ली? खेमी, ये रोग हसीद है, ये भी डाल देना चोपड़े में. एक्सक्यूज मी, जय श्री कृष्णा.
मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मैं सारंग गोहिल, वनराज गोहिल का बेटा। हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। वनराज जी ने बताया था कि तुम आने वाले हो, पर टाइम नहीं बताया था इसलिए हमें पता नहीं था। आओ ना। एक्चुअली मैं कल ही लंदन से वापस आया और आते ही पापा ने मुझे मेरे और बिरवा के रिश्ते की बात बताई। वैसे तो पापा ने रिश्ता बहुत साल पहले ही तय कर दिया था, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहीं आ गया बिरवा से मिलने। सारंग, बिरवा वे भी फैक्ट्री गई है, तुम तो जानते हो ना काम कैसा होता है। इम्प्रेसिव मुस्टैश। आप हैं हितेन भाई। आंखों पे चश्मा। यू मस्ट बी बासा, करेक्ट? एक मिनट के लिए खड़ी होंगी आप प्लीज? यू आर तोरल भाभी, एक्सपेक्टिंग इन 3 months, एम आई राइट? ओ, कमर पे है चाबी। आप हैं खेमी भाभी, सही? सारंग बेटा, तुम्हें हमारे परिवार के बारे में इतनी जानकारी कैसे? एक्चुअली जब मैं धर्मपुर आ रहा था तो रास्ता भूल गया था और कहीं जामनगर नाम की जगह पर पहुंच गया था। वहां मुझे एक औरत मिली, उन्हें आप सबके बारे में इतना कुछ पता था कि मुझे लगा जैसे वो शायद आपके ही परिवार की हूँ। शुभ अच्छे, हमारे परिवार के बारे में गुजरात का हर गांव जानता है, अच्छा लगा जानकर। वैसे तुम आए, बहुत खुशी हुई हमें। बासाई भी थाली आपने मंगाई थी। हाँ। आओ बेटा। ये लो बेटा। ये शगुन ही है ना? तुम्हें तो हर रीति रिवाज पता है। अच्छा अब तो मैं चलता हूँ। इतना लंबा सफर करके आए हो तो बिरवा को मिलके जाओ, बहुत तो एक दिन तो रह जाओ, बिरवा को जानने का समय मिल जाएगा। Well, point to be noted. Great. तो अब तुम फ्रेश हो जाओ। चंपा, इन्हें गेस्ट रूम ले जाओ। Be comfortable. Thank you, भाभी। कद्दू, तूने बिरवा से बात की सारंग के बारे में? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई। बिरवा के पास वक्त ही कहाँ था जो मैं उससे बात कर सकूं? हवेसु, बिजली गिरेगी उस पे और वो बिजली गिरेगी हमारे सर पे। ऐसा कुछ नहीं होगा किमी। बिरवा जब शाम को घर पर आएगी ना, तब हम उससे बात कर लेंगे। और बिरवा से किस बात का डर? हर रात एक नया डर लगा रहता है, पता नहीं कल की सुबह हम लोग यहाँ देख पाएंगे या नहीं। रोज नई घबराहट, नई बेचैनी, अब तो डर के मारे नींद भी नहीं आती रात को। क्या हुआ, किस बात का डर? वो कोई डर की बात नहीं है। तू अपना काम करना। माफ करना, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हमें कुछ भी बताने से मना किया हुआ है। ये औरतें किस डर के बारे में बात कर रही थी? क्या होता है यहाँ? कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सारंग आया है, वो नहीं बताएंगे ना तो गड़बड़ होगी। लेकिन बात सबसे बड़ी गड़बड़ तो उसका मूड है। सारंग के बारे में तब बताएंगे ना जब वो अच्छे मूड में घर आएगी। अगर आज उसका मूड खराब हुआ ना बा, तब तो बहुत मुश्किल है बताना। काम के नाम पे आप क्या करते हो मिस्टर देसाई, मुझे सब पता है। मेरा कंसाइनमेंट अब तक क्यों नहीं पहुंचा, इतना लेट क्यों हो गया है? आपको मेरा एम्प्लॉय किसने बना दिया पता नहीं। रात रात भर आप लोग काम करने का दिखावा करते हो बस।
और काम काम कुछ नहीं करते, यूज़लेस। बिरवा, वो आज का दिन बहुत खराब था। वैसे भी जब बिरवा दी रहती है तो कौन सा दिन अच्छा जाता है, हर दिन तो किसी ना किसी के कपड़े फाड़ती रहती हो। सूरज, राम मिला है ऐसे जोड़ी, एक सीधा साधा लड़का और दूसरी बिगड़ी घोड़ी। हे भगवान। ननका, दरवाजा खोल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। नानका, बिरवा को देखने लड़का आया है, चल ना नीचे चलकर उससे मिल तो ले। देख नानका, मैं जानती हूँ तू मेरी बात सुन रहा है। उस दिन वनराज से भी नहीं मिला था तू, आज कम से कम जमाई राजा से तो मिल ले। अरे किसी और के लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए सही, नीचे तो चल। अरे शू छे मोटी बहन, घड़ी घड़ी वही बात, इस घर की हर बात पे मुझसे पूछे बिना निर्णय लेते हो ना, तो जा इस बात का निर्णय भी ले लो, चल जा यहीं से। देख नानका, इस वक्त विरवा बहुत गुस्से में है और जब वो नाराज होती है तो कमरे से बाहर नहीं निकलती है। तू तो नीचे चलकर देख ले उसे, देख तो लेना, जैसे तू अपनी बेटी के लिए लड़का चाहता था वो लड़का वैसा है या नहीं। नानका, बिरवा के लिए तो नीचे चल। बोला ने, तू जा यहीं से। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, ये लो थोड़ी सब्जी और लो। अरे भाभी क्या कर रही हैं, मेरा पेट भर जाएगा। इतनी पूरियां, अरे भाई ने रोकिए ना भाई, मेरा पेट बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ नहीं, अरे गुलाब जामुन नहीं, अरे तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, ये लो सब्जी लो। भाभी मैं क्या कह रही हैं, बहुत खा चुका हूं। अरे नहीं बेटा, उनको दे दो गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। अरे कुछ नहीं होता इतना खाने। नानका, ये सारंग है। जय श्री कृष्ण। लगन का अर्थ समझता है तू? लगन के लिए सबसे पहली आवश्यकता होता है विश्वास। जब दो लोग लगन के बंधन में बनते हैं तो समस्त जीवन ये बंधन निभाना पड़ता है, समझता है तू? बिरवा को कितनी अच्छी तरह से जानता है। मैं जानता हूं अपनी दिकरी को, सच्चे हीरे की परख जितनी उसको है इस घर में और किसी को नहीं। अगर यह छोकरा हीरा है तो बिरवा पहचान जाएगी, अगर सामान्य पत्थर है तो। जीवन बिरवा का, निर्णय भी वही लेगी। सारंग बेटा, धर्मराज ने ये सब कुछ कहा वो तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा, वो आजकल किसी से बात ही नहीं करता। उन्होंने जो भी बात कही बिल्कुल सही कही,
मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा अंकल। इनफैक्ट मैं उनकी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, और अब मैं बिरवा से मिले बिना नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट अब मैं बिरवा को जानकर ही जाऊंगा यहां से। जरूर बेटा, बिरवा को आने दे, फिर जरूर मिलना। यहाँ पर काम में मन तो लग रहा है ना संतु? मन का क्या है, जहां भी लगाओ लग जाता है। सरस, गुड गुड। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। यहाँ के लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? इतना तो मैं समझ गई कि इस कारखाने में कुछ गड़बड़ है। क्या बात है लीला भाई, आपके हाव भाव से मेरा शक सही निकला। ये बात पक्की है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आखिर इससे क्या बात है, बताइए मुझे कि यहाँ सब इतना डरते क्यों है? डर से किसको डर नहीं लगता। पिछले कुछ महीनों से अजीब तरह की घटना हो रही है हमारे कारखाने में। कुछ महीनों से रात को एक एक औरत गायब हो जाती है, और हैरानी की बात यह है कि उनमें से कोई भी औरत आज तक वापस लौटकर नहीं आई। हमने उन सबको ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आज तक किसी का कोई पता नहीं चला। पर आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई? बहुत बार लिखवाई, और हम तो खुद जाके दरोगा साहब जी से मिले, लेकिन सब बेकार। उन्होंने कहा कि हमारा इलाका उनके गांव के अंदर नहीं आता, इसलिए वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। कहने को तो ये जामनगर है, लेकिन यहाँ की सीमा से थोड़ा हटकर है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कारखाना सिर्फ औरतें चलाती हैं, इसलिए ना ही हमारी मदद के लिए आगे आते हैं।